राधन शाही का सबसे पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो में अभिनव की एग्जिट के बाद अभिमन्यु के एग्जिट पर उठे बड़े सवाल। अब अभिमन्यु आए सामने और अपने शो में हो रहे अपकमिंग ट्रैक को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। राधन शाही अपने शो के लिए जाने जाते हैं। राधन शाही अपने शो में चल रहे ट्विस्ट और टर्न्स के लिए जाने जाते हैं। अभिनव के कैरेक्टर के बाद लोग एक तरफ तो शो पर भड़के हुए हैं, दूसरी तरफ अब अभिमन्यु को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं राधन शाही, जिसको लेकर हर्षद चोपड़ा ने तोड़ी है चुप्पी। फिलहाल आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी कि हर्षद चोपड़ा शो से एग्जिट लेने जा रहे हैं, लेकिन अब खुद ब खुद हर्षद चोपड़ा आए हैं सामने और उन्होंने साफ किया है कि जी नहीं, मेरे शो की एग्जिट नहीं हो रही है। फिलहाल आगे भी अभिमन्यु का कैरेक्टर उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से चलता आया है, लेकिन अभिमन्यु ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया है। अभिमन्यु ने साफ कर दिया है कि राधन शाही प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़े एक्ट्रेसेस को कास्ट करने का और अभिमन्यु के अपोजिट अब आयशा सिंह को कास्ट करने की बात सामने आ रही है। हर्षद ने कहा कि अगर आयशा सिंह आती हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। आयशा सिंह मेरी दोस्त हैं, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे के साथ काम करना और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आयशा सिंह और प्रणाली राठौड़ की भी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जिसके चलते अब हर्षद ने कहा कि मुझे ये बातें सुनने में लगी हैं कि आयशा सिंह आने वाली हैं शो में। अगर आयशा सिंह की एंट्री होती है तो मैं बहुत एक्साइटेड होऊंगा क्योंकि आयशा सिंह की फैन फॉलोइंग बिल्कुल लार्ज है और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं। हर्षद चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आयशा सिंह के साथ काम करने के लिए। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या वाकई हर्षद के अपोजिट देखना चाहते हो आप आयशा सिंह को, या फिर है कोई और एक्ट्रेस आपकी नज़र में? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।